दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि NTA जो होता है एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उस एग्ज़ाम का नाम है CSIR एग्ज़ाम जो होता है, UG के लिए एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है सारे स्टूडेंटों के लिए कि क्या है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जैसे कि फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं, तो उस टाइमिंग पे जो अपने वेरीफिकेशन के समय जो होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो तो जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है 10th 12th अदरवाइज सिग्नेचर हो गया और आपके जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र इसी का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी सर्टिफिकेट आपके होते हैं पर्टिकुलर आपको वहाँ पर होता है जब वेरीफिकेशन के टाइम पर आपको क्या करना पड़ता है अपलोड करना पड़ता है। बट यहाँ पे एक अपडेट यहाँ पे ये आया है कि पब्लिक नोटिस आई है और डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इसे अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था और इसमें फाइनली ये लिखा था कि जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं उनके लिए 15 मई तक की डेट जो है बढ़ा दी गई है, तो वो फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। और अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पर देखिए ट्विटर में अपने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि वो अपने बिना डॉक्यूमेंट के केवल अपने फ़ोटो और सिग्नेचर बफ के अलावा कोई दूसरी चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको बिना फिल किए भी वेरीफिकेशन किए बिना भी उसे स्कैन करवाए बिना भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक ऐसा नहीं किए हैं फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं STC OBC उनके इनकम सर्टिफिकेट उनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है उनके पास तो वो फिल ना करेंगे तो भी चलेगा, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर आपसे मंगवा लेगा। बट अभी COVID-19 के कारण आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। और यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस आई हुई है एक बार आप लोग पब्लिक नोटिस भी इनका देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस में क्या पोस्ट था। पब्लिक नोटिस जो है ये देखिए 1 तारीख को अपलोड हुई है, ठीक है, और आज 3 तारीख 4 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपके पास फाइनली बहुत टाइमिंग है और आप जाके पब्लिक नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे जाके, ठीक है। और ऑफिशियल साइट जो है आपको पता ही है क्या है, अगर नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट क्या है, ठीक है। ऑफिशियल साइट पे आप लोग जाएँ और वहाँ से आप लोग ये वाला PDF डाउनलोड करें और यहाँ से देखें ये क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाएं NTA के और वहाँ पे जाके ये PDF डाउनलोड करें और न्यूज़ देखें और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों की, और मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।